ये है TVS का एंटॉर्क, जो कि 125 सीसी का स्कूटर है TVS कंपनी का। इस स्कूटर के अंदर काफ़ी नए फीचर्स मिलते हैं आपको। इसके इंजन में 3 वाल्व की टेक्नोलॉजी मिलती है आपको। तो आज मैं आपको इसी स्कूटर के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस क्या है और इसकी माइलेज क्या है और इसके अंदर कितने फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले मॉडल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आप फ्रंट लुक आप इसका देख सकते हैं। इसमें आगे यहाँ पर इंडिकेटर लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देख लें, इधर इंडिकेटर लगाए गए हैं, यहाँ पर इसमें एंटॉर्क लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हेडलाइट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर इसमें ये LED लाइट दी गई हैं, मैं इनको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये दिखती हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इस स्कूटर का। और इसके अंदर 12-35-35 का हैलोजन बल्ब लगाया गया है, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आ रहा है। अब मैं आपको इस स्कूटर का पूरा मॉडल दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आप लोग कमेंट में कहते हैं कि बहुत अंधेरा है, कैमरा सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये स्कूटर मुझे बाहर किसी अलग स्थान पे ले जाके वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं शोरूम में बना रहा हूँ। यहाँ पर लाइट की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए अंधेरा सा दिख रहा होगा। इसके लिए आप जो भी कहें उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जिस हिसाब से व्यवस्था है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आप इसका साइड से मॉडल देख सकते हैं, इस 125 सीसी के स्कूटर का कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, 125 लिखा हुआ है और पीछे मडगार्ड पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जिससे वो काफ़ी चमक रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पास से दिखाऊं, तो यहाँ से ये 125 सीसी इस पर लिखा हुआ है और यहाँ से आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एंटॉर्क 125 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसका मॉडल है। आप इन चीज़ों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है भले ही अंधेरा हो लेकिन आप इसके लुक को ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको इसका लुक। आप पीछे से देखेंगे तो बैक लाइट इसकी कुछ इस तरीके से है, LED लाइट हैं आप देख लें, और इंडिकेटर इसमें यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लुक है। और मैं इसका इंडिकेटर भी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका लुक आ रहा है पीछे से, इस तरीके से है ये। तो आपने इसके इंडिकेटर को देख लिया, अब मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ कि साइड से किस तरीके से इसका लुक है। आप देख लें कुछ इस तरीके से लग रहा है ये। इसके अंदर ग्रैब रेल भी दिया गया है, जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा है, ये आप देख लें। और पेट्रोल फिल करने का सिस्टम बाहर से ही है, पेट्रोल टैंक का कैप आपको इसमें बाहर ही मिल जाता है। और यहाँ से आप पूरा लुक देख सकते हैं इस स्कूटर का। तो आपने इस स्कूटर के लुक को देख लिया, अब बात करते हैं इसके एडवांस फीचर्स की। जो सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स बताया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसके मीटर में ही सारे फीचर्स हैं। इसका मीटर एडवांस है और स्कूटरों से बिल्कुल अलग है। इसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको इंजन किल की स्विच भी मिल रही है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इंजन किल की स्विच है। हेडलाइट की यहाँ पर आप स्विच देख रहे हैं, तो जब आप इसको ऑन कर देंगे, जब आप इस स्कूटर को ऑन कर देंगे तो इसकी LED जल जाएंगी, उसके बाद जब आप ऑन करेंगे तो इसकी हेडलाइट जल जाएंगी। ये इसके अंदर सुविधा दी गई है, LED लाइट लगाने से इसके अंदर स्विच भी मिल रही है आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिकेटर की, यहीं से आपको हाई बीम की ये पास की बटन जो है वो यहीं पर मिल रही है, ये सुविधाएँ इसके अंदर दी गई हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि इस स्कूटर के अंदर आप कहीं भी देखेंगे तो चोक आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक चोक दिया गया है, मैनुअल चोक नहीं, इसके अंदर ऑटोमेटिक चोक दिया गया है। उस चोक का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको स्कूटर स्टार्ट नहीं होता ठंडियों में तो ऑटोमेटिक चोक का प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। सब एक बार इसको ऑन ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, 2-3 बार जब आप करेंगे तो इसका चोक लग जाएगा और स्कूटर आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक चोक आपको इस तरीके से लगाना है, ये सुविधाएँ होती हैं। और अब आप इसके मीटर में देखेंगे तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको लेफ्ट ट्रिप यहाँ पर आप देख लें, एवरेज स्पीड भी आपको बताएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको स्पीड बताएगा, हेलमेट का भी बता रहा है। और यहाँ पर फिर से मैं ऑन करके दिखा दूँ तो ये क्या कह रहा है आप ये देखें, यहाँ पर आप देख लें मोबाइल का नेटवर्क बना हुआ है, मैसेज का और हेलो रेसर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिख के आ रही हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, इसके अंदर ब्लूटूथ इनेबल है, मतलब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नेविगेशन असिस्ट है और इसके अंदर कॉलर आईडी आपको मिलती है। इसके अंदर आपको लास्ट पार्किंग जो लोकेशन है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, आपने लास्ट बार कहाँ अपना स्कूटर खड़ा किया था ये भी सारी सुविधाएँ इसके अंदर मिल जाएंगी। राइड स्टार्ट शेयर आप किसी भी
इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, जो भी चल रहे हैं उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कई मोड मिल जाते हैं, जैसे स्पोर्ट मोड, स्ट्रीट मोड और राइड स्टार्ट मोड भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर का, फ्यूल का और सर्विस का भी, बैटरी का, मोबाइल का, हर चीज़ का इसमें बताएगा। जब आप स्कूटर को खरीदेंगे और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तब आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी और दिख भी जाएंगी। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मोड और सेट करने की बटन मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि इस स्कूटर के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो आपने इस स्कूटर के फीचर्स को देखा, अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो सबसे पहले इंजन में मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर थ्री वाल्व लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख लें। और थ्री वाल्व के बारे में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो थ्री वाल्व से आपको अच्छी माइलेज और अच्छी परफॉर्मेंस, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, चलने में थोड़ा सा अच्छी लगती है। जैसे कि आपने टीवीएस विक्टर में देखा होगा, उसके अंदर भी थ्री वाल्व की टेक्नोलॉजी है। तो इस स्कूटर के अंदर 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड ओएससी 124.79 cc का इंजन लगाया गया है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 9.4 PS 7500 RPM पर और इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 Nm 5500 RPM पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन में कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन भी है। और यहाँ से मैं आपको टायर के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110/80/12 का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है। 12 इंच के इसके अंदर एलॉय व्हील लगाए गए हैं और 130 mm का इसके अंदर ड्रम ब्रेक लगाया गया है। साइलेंसर का लुक कुछ इस तरीके से है। और आगे की बात की जाए, मैं आपको आगे दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है आगे, जो कि अच्छा माना जाता है। मेरे हिसाब से अच्छा सिस्टम होता है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अगर स्कूटर में रहता है तो इससे सस्पेंशन अच्छी तरीके से काम करता है। और इस स्कूटर के अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 mm की इसके अंदर डिस्क ब्रेक लगाई गई है, सिंगल पिस्टन वाली, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टायर की बात की जाए तो 100/80/12 के इसके अंदर आगे भी ट्यूबलेस टायर लगाया गया है। अब मैं आपको इसकी सीट खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर सीट के अंदर कितना स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी सीट खुलेगी, आप दाहिनी तरफ को करेंगे तो इसकी सीट खुल जाएगी। और जैसे ही सीट खुलेगी इसके अंदर आपको लाइट जलती हुई मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे इस कवर को हटाएंगे तो इसके अंदर USB चार्जर आपको मिल जाता है, आप देख लें। और यहाँ पर आप देखेंगे डू नॉट चार्ज व्हेन इंजन इज ऑफ, जब आपका स्कूटर बंद हो तब आप इसको चार्ज पे ना लगाएं, नहीं तो आपकी बैटरी डाउन हो सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना स्पेस मिल रहा है। इस स्कूटर के अंदर 5 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, जो कि बाहर से ही आपको पेट्रोल भरना है, इसके लिए सीट खोलनी नहीं पड़ेगी, ये सुविधा है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर आप रख सकते हैं सामान, यहाँ से आप इसका लुक भी देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी सीट बंद करके और इसका पेट्रोल टैंक खोल के दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये खुल गया और फिर ये बंद हो जाएगा, ये इसके अंदर सिस्टम इसकी सीट का है। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी टांग सकते हैं, ये आप देख लें। और यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ भी टांगने की सुविधा इसके अंदर दी गई है। और अगर आप इसमें कलर लेना चाहेंगे तो इसके अंदर मैट येलो मिलेगा, मैट वाइट मिलेगा और मैट ग्रीन मिलेगा और मैट रेड, इसमें कलर आपको मिल जाएगा, 4 कलर इसमें अवेलेबल हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। तो कुछ और चीज़ों की बात की जाए अगर इस स्कूटर की, तो इसका वजन है 116.1 kg, इसमें पेट्रोल टैंक 5 लीटर का लगाया गया है। और इसके प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है उत्तर प्रदेश में 61,500 रुपये, ये शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो इसकी माइलेज है लगभग 40 से 45, इस स्कूटर की आपको माइलेज मिल जाएगी। अब मैं आपको इस स्कूटर को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप देख लें कुछ इस तरीके से साउंड है 125 cc का स्कूटर, जो कि है एंटॉर्क। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।